देश भर में अज तो अनलॉक टू लागू हो चुका है। पंजाब सरकार ने भी केंद्र की तर्ज से अनलॉक टू दियां गाइडलाइंस जारी कीतियां ने। 1 जुलाई तो 31 जुलाई तक सूबे विच अनलॉक टू जारी रहेगा। शॉपिंग मॉल सवेरे 7 बजे तो लैके शाम 8 बजे तक खुलनगे। शराब के ठेके सवेरे 8 बजे तो रात 9 बजे तक खुलनगे। रेस्टोरेंट ते होटल रात 9 बजे तक खुलनगे। सैलून अते ब्यूटी पार्लर रात 8 बजे तक खुलनगे। जरूरी वस्तुआं वालियां दुकानां सारा दिन रात 8 बजे तक खुलनगियां। सारे दिन दुकानां खुलनगियां ते रात 8 बजे तक दुकानां खुलियां रहनगियां। अंतरराजी आवाजाई ते पहला वांग कोई रोक नहीं है। उथी स्कूल कॉलेज कोचिंग अदारे 31 जुलाई तक बंद रहनगे। सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क असेंबली हॉल बंद रहनगे। सियासी समाजिक खेड मनोरंजन अते कल्चरल प्रोग्रामा ते रोक जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन तो बाहर करफ्यू दे समय विच 1 घंटे की मोहलत दी गई है। हुण 9 दी थां रात 10 बजे तो सवेरे 5 बजे तक करफ्यू जारी रहेगा। जरूरी सेवावां विच लगे वाहन बसां ट्रकां अते यात्रियों की आवाजाई ते कोई रोक नहीं है। ते तमाम ओ गाइडलाइंस ने जो कि जारी की गई ने केंद्र सरकार के वलों अनलॉक टू नू लैके 1 जुलाई तो 31 जुलाई तक देश भर में अनलॉक टू जारी रहेगा। मोहाली तो मेरे नाल मेरे सहयोगी नवीन सेठी ते लुधियाना तो नवीन शर्मा मेरे नाल बन के ने। सब तो पहला मोहाली दा रुख करूंगी। नवीन इस समय जो हालात बने हुए ने इस विचकार जिस तरह दे नाल कल केंद्र सरकार वालों अनलॉक टू दा जिक्र कीता गया ते अज तो शुरुआत हो रही है 31 जुलाई तक जारी रहेगा। हालांकि कुछ ज्यादा बदलाव नहीं कीता गया है पर पंजाब दे लिहाज नाल इस नू देखा जावे जो गाइडलाइंस जारी हुई ने कि कुछ गाइडलाइन सरकार वालों जारी किए गए ने ते लोकां नू किन्ना फायदा होवेगा अनलॉक टू दा। देखो कुछ अगर अनलॉक वन तो अनलॉक टू की गल करिए कुछ ज्यादा रिलैक्सेशन जिहड़ी है पंजाब सरकार वालों नहीं दी गई। हालांकि कुछ समय दे विच बदलाव जरूर किया गया है ते एक ये जिहड़ा 31 जुलाई तक जारी रहेगा क्योंकि केंद्र सरकार वल जो गाइडलाइन जारी की असी उसे तर्ज से पंजाब सरकार वालों अनलॉक टू दी गाइडलाइन जिहड़ियां जारी की गई हैं। मसलन कुछ आप जिक्र करते हैं तो यह जिहड़ा पाबंदियां जिहड़ियां हैं वह हुण राती 10 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक लागू रहनगियां जो राती 9 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक रहिंदियां सन। इस तों इलावा दुकानां जिहड़ियां हैं वह सारा दिन असेंशियल सर्विस दीआं खुल्लियां रहनगियां ते ऐतवार वाले दिन जिहड़ियां असेंशियल सर्विस दीआं दुकानां खुल्लणगियां ते बाकी दुकानां जिहड़ियां हैं वह बंद रखियां जाणगियां। इस तों इलावा किहड़ियां चीज़ां ते रिलैक्सेशन नहीं दित्ती गई है जिस दे विच आपां गल कर रहे हैं जिम हो गया इस तों इलावा स्विमिंग पूल हो गए या जिहड़े भी किथे इकट्ठ हुंदा है चाहे वह कोई पब्लिक रैली किसी ने करनी है कितने इकट्ठ करना है कोई धार्मिक प्रोग्राम करने हैं तो उत्थे इकट्ठ की इजाजत जिहड़ी है वह हजे तक नहीं दी गई है। जिहड़े स्कूल कॉलेज हैं उन्होंने भी कहा गया कि अजे तुसीं 31 जुलाई तक इसनों नहीं खोलना है। 15 जुलाई तो बाद जिहड़े सिखलाई सेंटर हैं पंजाब सरकार दे वो खुल सकनगे कुछ हिदायतों के तौर पर जो केंद्र सरकार वालों सूबा सरकार वालों जारी कीतियां गईयां हैं। यानी कि कुछ सैक्टर दे विच कुछ समय नूं लैके रिलैक्सेशन दित्ती गई है लेकिन जिथे इकट्ठ हो सकता है जिथे लोग ज़्यादा इकट्ठे हो सकते हैं जिथे स्प्रैड हो सकता है कोरोना वायरस उन थावां नूं इजाजत बिल्कुल नहीं दित्ती गई। इस तों इलावा जिहड़े राती 10 बजे तो 5 बजे की आपां गल कर रहे हैं जदों पाबंदी रहेगी उस वेले भी जिहड़े लोग हैं कोई फ्लाइट्स तो वापस आ रहे हैं कोई ट्रेन तो वापस आ रहे हैं कोई असेंशियल सर्विसिज वाहन लगे हैं उन्होंने पूरे तरीके नाल छूट दी गई है। लेकिन इस तों इलावा तमाम जो आप छूट की गल करते हैं कोई रिलैक्सेशन की गल करते हैं इस लोगों को ये जरूर याद रखना है कि पंजाब दे विच तकरीबन केसा की संख्या भी 5500 तो वध हो गई है मौतों की संख्या भी लगातार वध रही है। कोई भी सूबे दे विच इदां दा जिला नहीं बचा जिथे करोना वायरस ने अपनी पकड़ जिहड़ी है वह ना छड्डी होवे ते इस करके केसिस भी वध रहे हैं मौतों की संख्या भी वध रही है। रिलैक्सेशन सरकार वालों जरूर दिती गई है ते आने वाले समय दे विच भी क्योंकि असी देखिया सी कि मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों जदों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई सी तो उन्होंने कहा सी कि असी उसनों काबू पा रहे हैं लेकिन वड्डी गल इही है तां ही इस तरीके दे नाल रिलैक्सेशन वध दित्ती जाएगी लोग बच सकनगे जदों असी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करांगे जदों घर तों बाहर निकल रहे हैं तां सानू दूरी बना के रखनी है सैनिटाइज का इस्तेमाल करना है मास्क पा के रखना है ये चीज़ा हिदायतें जिहड़ियां हैं जो भी गाइडलाइनस सेहत विभाग वालों सेहत मंत्रालय वालों जारी कीतियां हैं उसनों तुसीं मनना है। बहरहाल अनलॉक टू जिहड़ा है वह 31 जुलाई तक जारी रहेगा
उम्मीद यही की जा रही है कि लोग घर तो बाहर निकल रहे हैं, रिलैक्सेशन जरूर मिल रही है, लेकिन केसिस जड़े हैं वो कटन ता कुछ राहत दी सा जरूर बनेगी। बिल्कुल, ता बेशक मामले भी वध रहे ने ते जिस तरह दे नाल कल केंद्र सरकार वालों भी अनलॉक टू की शुरुआत अज तो हो चुकी है ते पंजाब दे विच भी 31 जुलाई तक अनलॉक टू जारी रहेगा। तमाम हदायतां जारी कीते गए ने, इस विच का लोगों नु सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मेरे नाल नवीन शर्मा भी लुधियाना तो बने हुए ने। नवीन, लुधियाना की गल करिए तो लुधियाना की जनता किस तरह के नाल इन्हां हदायतों नु देख रही है, क्योंकि मामले भी लगातार वध रहे ने। खास तौर पर लुधियाना जिला इस समय काफ़ी प्रभावित है पंजाब दे विच। हालांकि ज़्यादा कुछ छूट नहीं दी गई है, पर सरकार का साफ तौर पर यही तर्क है, यही कहना है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इकट्ठ ना होवे ये ध्यान रखना हुन लोका दे हाथ विच ही है। स्वाति, ये बिल्कुल सही गल है, क्योंकि लोग जागरूक होणगे तां ही कोरोना वायरस की चैन असीं तोड़ पावांगे, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस के जिहड़े मरीज है वह लुधियाना दे विच लगातार वध रहे ने। मौतां भी 19 हो चुकियां ने और लगातार एक एक दिन दे विच, क्योंकि कल भी 36 के करीब कोरोना वायरस के मरीज सामने आए और लगातार हुण तां 700 तो ज़्यादा आंकड़ा लुधियाना दे विच कोरोना वायरस दा वध चुका। सरकार ने गाइडलाइन जरूर जारी की अज 1 जुलाई तो लैके 31 जुलाई तक, पर आने वाले दिनों स्वाति ये गाइडलाइनस घट भी सकता समा, क्योंकि जे कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती वधी तां ये गाइडलाइनस वापस भी लीतिया जा सकदी ने, चाहे टाइम वधा दिते ने। सो जिहड़ी 1 जुलाई तो 31 जुलाई तक सूबे में जिहड़ा अनलॉक 2 अज तो जारी किया, उस दे विच क्योंकि लोग भी सुनना चाहते हैं कि की तब्दीलियां कीतियां गईयां ने गाइडलाइनस दे विच। शॉपिंग मॉल सवेरे 7 बजे तो लैके शाम 8 बजे तक समा वधाया गया, और जिहड़े शराब के ठेके ने 8 तो लैके 9 बजे तक, पहले 7 बजे तक शराब के ठेके खुलते सी 1 घंटा वधा दिता गया, और रेस्टोरेंट जिहड़े होटल है वह 9 बजे तक खुलणगे। सो जिहड़े ब्यूटी पार्लर है वह 8 बजे तक खुलणगे, और शॉपिंग मॉल जिहड़े ने वो भी समा वधाया गया। पर जो थिएटर है, चाहे वह धार्मिक समागम जोड़े होंगे ने, चाहे स्कूल कॉलेज है, उन्होंने तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर 31 जुलाई तक जोड़ा है वो आदेश दिए गए बंद करन दे। पर जड़िया गैर जरूरी समान दिया दुकाना ने उन्हों का समा नहीं वधाया गया, क्योंकि जड़िया जरूरी समान दिया दुकाना ने उन्हों का समा वधाया गया। पर जोड़ा व्यापारी वर्ग है, क्योंकि संती शहर लुधियाना एक व्डा व्यापारी हब है और साढ़े नाल स्वाति व्यापारी भी मौजूद है, क्योंकि असी बाजार दे विच खड़े हाँ। ये पूरा बाजार जिहड़ा है ये गैर जरूरी समान का बाजार है, इत्थे सिर्फ 5 बजे तक जिहड़ा टाइम 6 बजे तक हुंदा, क्योंकि गैर जरूरी समान का जिहड़ा टाइम है वह वधाया गया। और व्यापार वर्ग ने कोलों पुछांगे कि जिहड़ी गैर जरूरी समान दीआं दुकानां ने, तुसीं प्रेजिडेंट हो, जिहड़ियां गाइडलाइन जारी कीतियां गईआं जरूरी समान दीआं जिहड़ा टाइम वधाया गया, तुसीं की सरकार नूं मंग करदे हो कि आने वाले दिनों दे विच टाइम जिहड़े ने उह गैर जरूरी समान दी दुकानां दा वधाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह सरकार ने पूर्ण तौर पर हर चीज़ को टाइम वधा के खोल दिता गया, साड़ी भी मंग है कि जिस तरह सारिया चीज़ों पूरी सहूलत दिती है पूर्ण तौर पर खोलना शुरू करता है, साढ़े व्यापार को क्यों बंद किया? संडे भी बंद है, सैटरडे 5 बजे बंद है, और असी सरकार पूरा टैक्स देने, हर चीज़ देने हैं, और इस टाइम जी सरकार ने गाइडलाइन जारी की हर उन्होंने हुक्मों की पालना करते हैं, लेकिन फिर साढ़े वास्ते पाबंदियाँ क्यों है? साड़ी मांग है जिस तरह बाकी चीज़ा रेस्टोरेंट नूं भी पूर्ण तौर पर खोल दिता गया, 9 बजे तक ठेके खोल दिते गए, और जरूरी चीज़ों दी जिहड़ियां दुकानां उन्हां दा भी टाइम वधाता, शॉपिंग मॉल का वधाता, ब्यूटी पार्लर का वधाता, उस तरह की साढ़े बाजार नूं की कीता, साढ़े बाजार नूं क्यों नहीं खोला जाता? टिकट दे विच जिहड़ी सख्ती वरती गई है गैर जरूरी समान, बिल्कुल असीं कहिंदे आ उहनूं भी पूर्ण तौर पर खोल दिता जाए, जिहड़ा कि संडे नूं बिल्कुल जिहड़ा बाजार भरिया हुंदा सी रश नाल हुण बिल्कुल खाली हुंदा है। शनिवार को 5 बजे तो पहला ही लोग दुकाना बंद करके घर चले जाते हैं, किते ना किते व्यापारी तबाही के कगार से पहुंचा आया वा, तो साड़ी मांग है इनू जल्द तो जल्द चेंज किया जाए, साडा टाइम भी वधाया जाए। सो व्यापार वर्ग है जिहड़ा, क्योंकि जिहड़ा वीकेंड हुंदा है स्वाति, असीं लगातार ये तस्वीरां दिखाते रहे हैं गैर जरूरी समान दीआं दुकानां दी, क्योंकि वीकेंड दे विच 5 बजे तो बाद बाजार बंद हो जाते हैं, जरूरी समान दीआं दुकानां दा टाइम वधाया गया। व्यापार वर्ग कहिंदा कि जिहड़ा टाइम है सानू भी वधाया जाए, जिहड़ा वीकेंड है उसका टाइम चेंज करके, दिन चेंज करके, चाहे सोम मंगलवार वीकेंड दे विच जिहड़ी आ उह लॉकडाउन लाया जाए, पर वीकेंड ना चुनिया जाए, क्योंकि वह कमाई का दिन हुंदा। सो लगातार जिहड़े मरीज़ है कोरोना वायरस दे, चाहे पूरे पंजाब दे विच गिनती वध रही है, घट नहीं रही, सरकार जिहड़ी गाइडलाइन जारी कर रही है लोगों के भले लिए कर रही है, पर कितने ना कितने व्यापार वर्ग दे विच इस चीज़ को लैके रोस जरूर पाया जाता। जी स्वाति।
बिल्कुल नवीन, तो जिस तरह के नाल समय समय से सरकार वालों कई कदम चुके जा रहे हैं, जिस तरह के नाल व्यापारियों वालों भी यही जिक्र किया जा रहा है कि शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, समा बढ़ाया जा रहा है, तो हुन खान पीन के दुकानों का जो समा बढ़ाया गया, होटल रेस्टोरेंट का समा बढ़ाया गया, तो व्यापारियों की चिंता भी जरूर इतने जायज है। इस विचकार लगातार राहत पैकेज की भी व्यापारी भी तो हर वर्ग के लोग सरकार तो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो देखा जाए पेट्रोल डीजल कीमतों में इजाफा हो रहा है, बस का किराया बढ़ा दिया गया, तो लोगों की जेब ते वादू असर पै रहे, तो लोग इस गल तो भी परेशान ने कि इस महामारी दौरान किस तरह दे नाल ओ हालात दे नाल नजिठण। बिल्कुल स्वाति, क्योंकि जिस तरह दे नाल मरीजा की गिनती तो घटी नहीं, क्योंकि असं भी लगातार यही अपील करते आए हैं लोगों नूं कि घर दे विच बैठो, और सरकार भी चाहे कदम चक रही है, क्योंकि ये जिहड़े टाइम समा बढ़ाया गया, गाइडलाइन जारी की गई है 1 जुलाई तो 31 जुलाई तक, स्कूल कॉलेज का चलो मुकम्मल तौर पर जोड़े ने बंद करने की हिदायत है, थिएटर जोड़े ने बंद करने की हिदायत है, और जड़िया जरूरी समान दुकाना उन्होंने समा बढ़ाया गया, और लगातार जोड़ा मरीजा की गिनती है वह नहीं घटी। सो लगातार सरकार चाहे उपराले कर रही है, पर किधरे ना किधरे जोड़े लोग है उन्होंने जेब से काफ़ी फर्क पै रहा, क्योंकि चाहे बस के किराए हूँ जोड़े बधाए गए हैं, पर व्यापार वर्ग, क्योंकि लुधियाना एक संती हब है और लगातार जोड़ा व्यापार वर्ग है वह पिछले कई महीनों तो रोस में है, क्योंकि जरूरी समान दुकाना से चाहे गैर जरूरी समान दुकाना ने वह व्यापारी वर्ग का जोड़ा समा उस कोई तब्दीली नहीं की जा रही। असी लगातार वीकेंड इन्होंने व्यापारियों की आवाज़ चकते हैं, क्योंकि ये व्यापारी जोड़े ने लुधियाना का चौड़ा बाजार है, गैर जरूरी समान सारिया दुकाना ने, पूरी मार्केट है, पर इन्हों का यही मंग है कि जोड़ा वीकेंड का समा उन्होंने कुछ चेंज किया जाए, गाइडलाइनस के योजी कोई ये इंतजार कर रहे कि गाइडलाइन के योजा कोई आऊगा, व्यापार वर्ग का उम्मीद सी कि इस कि जोड़ा वीकेंड है उन्होंने चेंज करके सोम मंगलवार रखा जाता। सो आने वाले दिनों के व्यापार वर्ग इस मंग को लैके जोड़ा है वो जरूर फिलहाल जो गाइडलाइंस जारी हुई ने असि उम्मीद करते हैं कि लोग इन्हों की पालना करेंगे। इस विचकार लोगों नाल ये भी जानकारी साझा कर दिए कि पंजाब विच बेशक 1 तो 31 जुलाई तक अनलॉक 2 जिहड़ा है वह लागू हो चुका है, पर इस विचकार वीकेंड लॉकडाउन उसे तरह के बरकरार रहेगा, जिस तरह पिछले कुछ हफ्तिया तो पंजाब दे विच वीकेंड लॉकडाउन लागू हो चुका है, वीकेंड लॉकडाउन पंजाब दे विच बरकरार रहेगा। धन्यवाद तमाम गलबात ली नवीन सेठी ते नवीन शर्मा।